नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, लखनऊ से, यानी कि राजधानी से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5KDCM आवास में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। सरकार, पार्टी और संघ की समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे भी वहां पर बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। संघ के शीर्ष पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरसह संघ चालक दत्तात्रेय हंस बोले भी यहां पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, पहले से ही निर्धारित थी और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास में शुरू हो चुकी है। सरकार, पार्टी और संघ की समन्वय बैठक, यानी कि संघ अब सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक पर लगातार नेशनल वॉइस आपको अपडेट कर रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो अहम सदस्य हैं, लोग हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो सरकार से ताल्लुक रखते हों, पार्टी से ताल्लुक रखते हों या फिर संघ से ताल्लुक रखते हों। संघ इस बैठक के जरिए सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शिवा तिवारी लखनऊ से, यानी कि राजधानी से लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। शिवा, अभी बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद हैं और खास तौर से एजेंडा क्या है बैठक का अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक? देखिए, अभी बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में जितने लोगों को शामिल होना था, यानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे, संघ के दो प्रमुख पदाधिकारी हैं जिसमें से कि कृष्ण गोपाल जो सहकार्यवाह हैं, इसके अलावा दत्तात्रेय हंस बोले जो जिनके ऊपर यूपी का प्रभार भी है, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है। अगर मीटिंग के मुद्दे की बात करें तो जिस तरीके से आपको सबसे पहले बता दें कि ये चौथी बैठक है, समन्वय बैठक जो सरकार के साथ में संघ कर रहा है। इससे पहले भी एक बार पार्टी कार्यालय में बैठक की जा चुकी है, एक बार एक गेस्ट हाउस में बैठक हुई है, लेकिन इस बार चूंकि संघ के बड़े पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इस बार बैठक में तीन मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले तो सरकार के जो अब तक के कामकाज हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, एक बड़ा कुनबा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिनको सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो उनको भी समायोजन करने का मुद्दा भी इस बैठक में रहेगा कि जो कार्यकर्ता कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कम से कम उनको हिस्सेदारी मिले सरकार में। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर इस बैठक में है। इसके अलावा जी शिवा, दो डिप्टी सीएम दोनों के दोनों यहां पर मौजूद हैं इस बैठक में। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है, बेहद अहम ये बैठक है। कौन कौन से और मंत्री वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, और कोई भी मंत्री को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत ही एक तरह से कहें कि संघ की जब भी बैठक होती है सरकार के साथ में, उसको बहुत गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि बिना संघ के ना तो पार्टी चलती है और ना ही सरकार चलती है, और ऐसे में सरकार और जो पार्टी है दोनों इस बात की गोपनीयता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। रही बात जिस तरीके से देखा गया है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है कि सरकार के इस पिछले पूरे कार्यकाल में कई ऐसे काम भी रहे हैं जिनको लेकर संघ संतुष्ट तो नजर आता है, लेकिन कई ऐसे भी काम है जिनको लेकर संघ की नाराजगी भी सामने आ चुकी है, जिनमें से कई खास मुद्दे हैं। गोरखपुर में चाहे वो बच्चों का की मौत का मामला हो, इसके अलावा जो जो जिस तरीके से स्वेटर बांटने में हाल फिलहाल में दिक्कत हुई थी, इसको लेकर भी संघ ने थोड़ी नाराजगी जताई थी कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया था सरकार ने, उसके बाद भी उसको समय रहते पूरी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर बातचीत हो रही है बैठक में,
और ये भी माना जा रहा है कि 9 महीने के कार्य के बाद जो सभी बात सभी जो मंत्री हैं उनको जो विभाग दिए गए उनके विभाग में किस तरीके से कामकाज हुआ है उसकी भी समीक्षा होगी और उसी के हिसाब से जो मंत्रिमंडल है उसमें भी कुछ फेरबदल की गुंजाइश बन सकती है। ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं शिवा की मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल की गुंजाइश बन सकती है। और आपने ये भी कहा कि जिन लोगों को कामकाज के दरमियान कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है उन्हें भी कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है इस बैठक में, उस पर भी चर्चा हो सकती है। क्या कुछ बड़े फैसले यहां से निकलकर सामने आ सकते हैं और क्या कुछ गाइडलाइंस भी संघ की ओर से दिया जा सकता है? कुछ जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि पीठ भी थपथपाता है संघ और फटकार भी लगाता है, यहां से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए आज अगर कहें कि त्वरित रूप से कोई फैसला निकल कर आएगा तो ये काफी मुश्किल लगता है क्योंकि अभी ये बैठक है, मंथन होगा सरकार का, पार्टी का और संघ का। यहाँ पर एक मंथन होगा और उसके बाद अलग से पार्टी और संगठन के बीच, पार्टी और संघ के बीच में बातचीत होगी और फिर जिस जो एक सॉल्यूशन निकलेगा संघ की तरफ से ये पूरा संघ के जो संचालक है उन तक भी पहुंचाया जाएगा पूरा मुद्दा और उसके बाद जिस तरीके के दिशा निर्देश देने होंगे संघ को वो पहुंचाएगा वाया केंद्र या सीधे वाया सरकार, तो ये मैसेज पहुंचा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश के दूसरे हिस्से में हो चुनाव के वक्त संघ की बड़ी भूमिका होती है और संघ कहीं ना कहीं इस बात पर भी जोर दे रहा है। बिल्कुल, पार्टी के भीतर सरकारों के भीतर संघ की भूमिका होती है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर क्या कुछ कहा जाता है संघ की ओर से, ये बेहद अहम है, ये बेहद अहम बैठक चल रही है राजधानी में। बहुत शुक्रिया आपका शिवा फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, लखनऊ से ही मिल रही है। मुख्तार अंसारी